सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीलेट फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की रिजल्ट कब तक आएंगे इसके बारे में बात करने वाली हूँ। इसके अलावा जो आप लोगों के आंतरिक मूल्यांकन है, बहुत सारे ऐसे अभी कॉलेज हैं जहाँ पर जो आपके इंटरनल मार्क्स है यानी कि आपके प्रैक्टिकल नहीं हुए, ये कितने नंबर के होते हैं और इसकी तैयारी कैसे करते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स हमें मिले, और जो हम फाइल बनाते हैं इंटर्नशिप वाली यानी कि आपकी जहाँ भी इंटर्नशिप लगी होगी, जिस भी प्राइमरी स्कूल में आपने एक फाइल बनाई होगी, वो कितने नंबर की होती है, तो ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगी आप लोगों को। और अगर आपको डर लग रहा है कि आपका बैक लग जाएगा तो इसके लिए भी यहाँ पर मैं समाधान बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि कोई भी डाउट हो तो वो खत्म हो जाए। तो आप लोग के रिजल्ट को लेकर के पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी नहीं आते हैं डीलेट के, कम से कम 2 महीना तो हो ही जाता है, उसके बाद ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं एग्जाम के। तो आप समझ सकते हो कि आपके पेपर अभी अगस्त में हुए हैं तो तुरंत तो रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। तो रिजल्ट आने में वही चीज फिर मैं बोलूंगी कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक कहीं जा करके आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, और फिर जो आपके पेपर होंगे सेकेंड सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के, ये जो पेपर है ये दिसंबर तक ही देखने को मिलेंगे आपके, या जनवरी भी जा सकता है। तो इसी वजह से दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, आपके पास समय है, अपने सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी पर ध्यान दीजिए। सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर की, तो सेकेंड सेमेस्टर को देखते रहिए, और फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लासेस मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगी। और जिस भी विषय में आपको लगता है कोई विषय आपका कमजोर है, जिसमें भी आपको डर लगता है, आप जरूर कमेंट करिएगा, पहले मैं वही विषय पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा जो रिजल्ट है वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, और ये जो रिजल्ट है ये आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक ही आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं ये कितने नंबर के होते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो जो आपका प्रैक्टिकल होता है ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने 275 नंबर का पूरा पेपर दिया है, 275 नंबर का आप पेपर दे करके आए हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये तो आपके जो आपने पेपर दिए हैं 8 के 8 उसके मार्क्स हो गए। इसके बाद 100 नंबर जो आपने फाइल बनाई होगी इंटर्नशिप वाली, जो फाइल आप गए थे जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी थी वहां पर जो आपने फाइल बनाई थी उसके आपको मिलेंगे 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर में। वैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो 100 नंबर है ये फाइल के नहीं मिलते हैं, बल्कि जो 100 नंबर होते हैं ये आपके आपको वहां के प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है, जिस भी स्कूल में आपकी टीचिंग लगी होती है। लेकिन दोस्तों जो ये 100 नंबर होते हैं ये किसी किसी बच्चों को तो 100 मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को आप देखोगे कि 100 नंबर बहुत ही कम लोगों को मिलता है, स्कूल में 99 या 98 नंबर दे देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको हैंडल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हैंडल लेने में थोड़ा रिस्क होता है, तो आप 99 भी अगर वहां के प्रिंसिपल दे रहे हैं तो आप 99 नंबर भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि इतने सारे 10 चीजें होती हैं जिनमें आपको 100 नंबर मिलता है, सब 10 नंबर की होती हैं, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो हर चीज में बिल्कुल ही परफेक्ट रहा हो 10 के 10 चीजों में, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क होता है, और प्रिंसिपल देना भी नहीं चाहते हैं 100 में 100, तो आप बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइएगा, अगर 99 भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ये जो आपने प्रैक्टिकल की फाइल बनाई और यहाँ पर ये जो आप स्कूल में गए आपने टीचिंग की उसके आपको 100 नंबर मिल गए, ठीक है। अब ये जो आपके अब इसके बाद बचे प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल जो है ये होंगे आपके 425 नंबर के, तो टोटल 800 नंबर का, हर सेमेस्टर 800 नंबर का होता है, उसमें से 275 नंबर आपने जो एग्जाम दिया उसका, और 100 नंबर जो आप स्कूल में टीचिंग करने गए, जो आपने फाइल बनाई उसके हो गए। अब ये जो 425 नंबर है ये आपके आंतरिक मूल्यांकन, आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, ये जो 425 नंबर है ये पूरी तरीके से आपके कॉलेज वालों के हाथ में होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो 400 से कम तो किसी बच्चे को नहीं मिलता है, 400 से कम तो किसी को नहीं मिलता है 425 में। लेकिन अगर आप डाइट से कर रहे हो तो डाइट का मैं नहीं कह सकती हूँ कि बिल्कुल इतना ही मार्क्स मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डाइट में नहीं हो तो प्राइवेट कॉलेज में हो तो प्राइवेट कॉलेज में मार्क्स मिलते हैं अगर आपका कार्य व्यवहार, इसीलिए दोस्तों जो डीएलएड है या जो बीटीसी, अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बहुत सारे भाई बहन ये भी कमेंट करते हैं कि मैम मेरी तबीयत खराब है या हम अगर प्रैक्टिकल ना देने जाएं तो क्या हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा,
आपका प्रैक्टिकल हो तो जाएगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी और को आपकी जगह भेज देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल देने जाने में समर्थ हो तो प्लीज आप लोग खुद जा करके अपना प्रैक्टिकल दीजिए और अच्छे से दीजिए। अब आती है बात कि प्रैक्टिकल में पूछता क्या है। तो प्रैक्टिकल में आपके फर्स्ट सेमेस्टर से ही रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, जैसे आपने बाल विकास पढ़ा है, शिक्षण अधिगम जो आपका सेकेंड पेपर है उसको पढ़ा है, तो इन्हीं सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं जो एग्जामिनर आए होते हैं कि आप शिक्षक बन रहे हो, आप शिक्षक बनने की ही ट्रेनिंग ले रहे हो, तो एक शिक्षक की सबसे अच्छी क्वालिटी या एक शिक्षक की क्वालिटी क्या होती है, एक शिक्षक कब एक आदर्श शिक्षक या अच्छा शिक्षक कहलाता है। तो इसका आंसर यही होगा कि एक शिक्षक आदर्श शिक्षक या एक बेहतरीन शिक्षक तभी कहलाता है जब उसे अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञान हो। संपूर्ण तो कोई कोई भी नहीं कह सकता कि हमको पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज है, लेकिन हर एक टीचर को अपन अगर वो एक शिक्षक है तो उसे अपने विषय में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि ज्ञान जो है वो पहले आता है, फिर उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर सारी चीजें तौर तरीके होने चाहिए पढ़ाने के, ये सब चीजें बाद में आती है, लेकिन अपने विषय का ज्ञान होना एक शिक्षक को बहुत जरूरी है। अगर अपने विषय का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो शिक्षक कैसे अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक शिक्षक की सबसे अच्छी क्वालिटी अगर पूछते हैं आपसे। इसके अलावा अगर आपसे अन्य विषयों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो अगर आपने सारे विषयों के एग्जाम अच्छे से दिए हैं, तैयारी अच्छे से की है, तो आप जरूर बता पाओगे। इसके अलावा कभी कभी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेता है कि डाइट का फुल फॉर्म बताइए, डाइट का फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी आप लोग बता लोगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछता है। अभी आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में भी जब जाओगे, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का आपने पेपर दिया है, तो फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं, तो फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। तो यही सब छोटी छोटी चीजें पूछते हैं प्रैक्टिकल्स में जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप अगर अदर फाइल भी, जैसे और भी सब्जेक्ट की फाइल आप लोगों को बनवाई गई है, जैसे हम लोग के कॉलेज में हर एक सब्जेक्ट की, आठ के आठों सब्जेक्ट की अलग अलग फाइल बनवाई गई थी, और उसमें से एक टॉपिक के बारे में लिख करके वो फाइल लेकर के जानी थी, तो उस फाइल को देखते थे एग्जामिनर, तो उसी में से क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन जरूरी नहीं कि वही चीज आपके कॉलेज में भी इस तरीके से हो, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक इंटर्नशिप की फाइल आपने नहीं बनाई है किसी कारण से, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर के वीडियो को देख करके अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फाइल मेंटेन कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बैक लग गया है तो बैक के लिए क्या करें, या अगर आपको लग रहा है कि आपका बैक लग जाएगा, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आए नहीं है, तो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग अच्छे से मेहनत करो अपने सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की। और मैंने पहले ही कहा है अगर एक सब्जेक्ट में बैक लग गया, दो सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, सेकेंड सेमेस्टर के आप सारे पेपर दोगे, अपने दोस्तों के साथ ही आप रहोगे, बस अगर आपके दो सब्जेक्ट में बैक लगे हैं तो उन दो सब्जेक्ट का पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा, सिर्फ उन दो सब्जेक्ट का या एक सब्जेक्ट का। लेकिन अगर तीन सब्जेक्ट में आपको लगता है कि तीन विषय में बैक लग जाएगा, तब ये स्थिति बनेगी कि आप एक तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर फेल हो गए और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर आपको फिर से देने पड़ेंगे, आप एक सेमेस्टर पीछे हो जाओगे अपने साथियों से। तो ऐसा रेयर केस में होता है कि किसी का तीन सब्जेक्ट में बैक लग जाए, तो आप लोग डरिए मत, आप लोग सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी अपनी करते रहिए दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे, एग्जाम कब तक होगा, जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं ये 425 नंबर के होते हैं, 425 में जितना आप मेहनत करोगे, जितना आपका आचार व्यवहार आपके कॉलेज वालों से अच्छा रहेगा, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये चीज जान लीजिए। सबसे व्यवहार अपना अच्छा बना करके रखिए, अपनी एक छवि अच्छी बना करके रखिए। जिस भी कॉलेज में आप डीएलएड कर रहे हो, अगर आपकी छवि अच्छी रहेगी, जो आपके टीचर से जो आपको पढ़ाते हैं वहां पर, जो ट्रेनिंग देते हैं आपको, उनसे आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो उसका भी आपको देखने को मिलेगा मूल्यांकन में उस फायदा, ठीक है। तो इसलिए बैक लग गया, अगर लगने का डर है तो इसके बारे में बता दिया मैंने कि डरने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सारे विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के रजत सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। 4 से 5 महीने का समय है, अगर आप अभी से पढ़ोगे नोट्स से, तो नोट्स मैंने बहुत अच्छे, अगर वाकई में आप चाहते हो कि आप अच्छे नंबर लाओ
और आप चाहते हो कि आपको नोट्स को पढ़ने का टाइम मिले। 4 से 5 महीने हैं आपके पास, इन महीनों में अगर आपने केवल नोट्स ले लिया, अच्छे से पढ़ा, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी जाएगी। नोट्स ही सिर्फ नहीं मिलते दोस्तों, सारे विषयों की क्लासेस मिलती हैं, कोई एड कोई प्रचार नहीं आता यूट्यूब की तरह ऐप में, सिर्फ और सिर्फ आप क्लासेस को देखते हो और आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतर होती है। तो आपको नोट्स मिल जाते हैं, क्लासेस, और हर एक क्लास के अंत में आपको उस चैप्टर का टेस्ट भी हम देते हैं, और 7 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशन देते हैं, रजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ दे देते हैं। तो अलग से ये जो आपको ये दोनों सीरीज अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यही दोनों अगर आप खरीदते हो तो 1,000 रुपये पहुंच जाता है। और ये जो कोर्स है ये आधे से भी कम पैसे में आपको ये कोर्स मिल जाएगा इन दोनों सीरीज के। तो इस तरीके से आपका ही फायदा है दोस्तों, आप लोग कोर्सेज को लीजिए 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के, और अभी से अपनी तैयारी बेहतर करिए। बाद में जब आप कोर्सेज को लेते हो तो आप पढ़ नहीं पाते हो, 1 महीने में आप 8 सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ ही नहीं पाते हो। तो अभी यही सही समय है, आप लोग नोट्स को लीजिए, तैयारी करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और आपको स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा हमारे चैनल का, और नंबर मैं आपको दे भी देती हूँ, 7705-9545-49, एक बार मैं लिख करके आपको बता देती हूँ। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7705-9545-49, 7705-9545-49 यही नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, कॉल मैसेज कुछ भी करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारी सुविधा मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, और चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।